इस वीडियो में हम बात करेंगे माउंट कंजर्वेनिस्ट और हरास का आखिर हिंदी क्या होता है, साथ ही इन वर्ड्स को जिन सेंटेंस में हम यूज करेंगे उनकी ग्रामर भी हम समझेंगे। तो पहला वर्ड हम लेते हैं माउंट। जैसे एक सेंटेंस पढ़ते हैं यहाँ पर, साइंटिस्ट माउंटेड अ कैमरा ऑन अ बर्ड्स बैक। इसका मतलब हो जाता है कि जो वैज्ञानिक लोग है ना, इन्होंने क्या करा, जो बर्ड्स का बैक है यानी जो पक्षी का पीठ है, उस पीठ पर एक कैमरे को फिक्स कर दिया। तो यहाँ पे माउंट का मतलब होता है फिक्स करना। अब इसका मतलब मुझे कैसे समझ में आया, देखिए यहाँ पे जो वर्ड है, यहाँ पे ये एक तरह से वर्ब है और ये वर्ब का पास्ट फॉर्म है ना, यानी ये पास्ट फॉर्म होने की वजह से जो अपना मीनिंग है ना, ये पास्ट में देगा। देखिए फिर से मीनिंग पे थोड़ा सा ध्यान दे। जो वैज्ञानिक लोग हैं, उन्होंने बर्ड्स के बैक पर यानी एक पक्षी के पीठ पर क्या माउंट कर दिया, क्या फिक्स कर दिया, कैमरा फिक्स कर दिया। मतलब अभी करा नहीं है, कर दिया। इसलिए यहाँ इस वर्ब से हमें पता चल जाता है कि सेंटेंस किस टाइम पर मीनिंग देगा, प्रेजेंट में देगा, पास्ट में देगा या फ्यूचर में देगा। उसके बाद हमने यहाँ पे यूज किया है एपोस्ट्रोफी एस। इसका मतलब होता है का की के, यानी बर्ड की पीठ पर। उन्होंने कैमरे को कहाँ पर फिक्स किया, बर्ड की यानी पक्षी की पीठ पर। तो ये की का जो सेंस है वो एपोस्ट्रोफी एस देगा। अब देखिए कितने कैमरे माउंट किए, एक कैमरा, आ कैमरा। यहाँ पे इस वर्ड का जो साउंड होता है उस पर डिपेंड करता है ए यूज करना है या एन यूज करना है। इसी तरह से कितने बर्ड थे, एक बर्ड पर है ना, आ बर्ड। यहाँ भी जो इसका जो साउंड आएगा वो आएगा कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के साथ हम ए का यूज करते हैं। अगर इस वर्ड का साउंड वॉवेल से स्टार्ट होता तो हम एन का यूज करते हैं। दूसरी वॉकअप लेते हैं कंजर्वेनिस्ट। इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो पर्यावरण को बचाने का काम करता है, पर्यावरण को बचाने में इंटरेस्ट रखता है, ऐसे व्यक्ति को आप बोल सकते हैं कंजर्वेनिस्ट। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आई, मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, मैं ऑनेस्टली ऐसा हूँ इसलिए बोला मैंने, आई एम अ कंजर्वेनिस्ट, मैं एक पर्यावरण बचाने वाला हूँ। मतलब पर्यावरण बचाने वाले को जो भी हिंदी में बोला जाता है उसी को इंग्लिश में बोला जाएगा कंजर्वेनिस्ट। दूसरा, तीसरा वर्ड लेते हैं हम हरास। हरास का मतलब होता है किसी को परेशान करना। जैसे टू मैन, दो लोग, दो लोगों की बात हो रही है इसलिए मैंने ई लगाया। एक व्यक्ति की बात होता तो मैं एम ए एम, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। तो दो लोग, दो आदमी क्या कर रहे हैं, सॉरी, दो आदमी, वन फाइन, उनपे जुर्माना लगा दिया गया है 5000 का। कैसे पता चला, देखिए जुर्माना खुद नहीं लगाते, कोई और व्यक्ति लगाता है। इसलिए यहाँ पर आपने देखा पैसिव का स्ट्रक्चर है ना, ये एक्टिव का स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट एक्टिव नहीं है, यहाँ पे कोई और एक्टिव है, इसलिए यहाँ पे पैसिव का स्ट्रक्चर है। कितने का फाइन लगा उन्होंने, 5000 का। क्यों लगा, फॉर हरासिंग। देखिए वर्ब को, ये वर्ब है, वर्ब को अगर आप फॉर के साथ लाओगे तो उसमें अक्सर आईएनजी लग जाता है, तो फॉर हरासिंग, परेशान कर रहे थे एक कछुए को, टर्टल को, एक कछुए को परेशान कर रहे थे, कहां पर, लेक पर, लेक भी एक है, इसलिए यहाँ भी एक का यूज किया हमने और यहाँ भी एक का, क्योंकि इनका जो साउंड है ना वो कौन सा है, कॉन्सोनेंट साउंड है, थर्ड लेक, इस तरह से हमने एक का यूज किया। तो यहाँ पे इसका पूरा मीनिंग क्या हो जाएगा कि दो लोगों पर 5000 का जुर्माना लगा दिया। क्यों, क्योंकि वो एक कछुए को परेशान कर रहे थे झील पर, लेक पर। होप दैट इस वीडियो से आपको इन तीनों वर्ड्स का हिंदी मीनिंग समझ में आया होगा। थैंक यू।